नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीते दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करने के बाद संजय कुमार, जो कि मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने आश्वासन दिया सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को कि जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति होगी। वहीं अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन बंद कर दिया। उसके बाद आपको हम बता दें, आज के न्यूज़पेपर में एक खबर निकल के आई है सामने, जहां बताया गया है सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की छठे चरण की काउंसलिंग खत्म होने के बाद जल्द से जल्द सातवें चरण की काउंसलिंग होगी। इसी बीच हमारे साथ अभी बात करने के लिए फोन पे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उत्तम जी है। उत्तम जी से बात करेंगे। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम अभ्यर्थियों की आवाज को आप इस तरह से आपके चैनल में प्रमुखता से आवाज को उठाया है, इसके लिए हम आपके चैनल को और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद सर। और जिस तरह से आप अभ्यर्थियों में अपना प्रेम जगाया है और अभ्यर्थियों को विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने में जो आपका अतुलनीय योगदान है, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद सर। जी, कुछ सवाल रहेंगे आपसे। आप लोगों के हित में बात आई है जिसमें कहा गया है अगले महीने से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है सातवें चरण की, वो स्टार्ट हो जाएगी, क्या कहिएगा? सर देखिए, ये ऐसा चीज है कि अपर मुख्य सचिव सर माननीय संजय सर की बातों से हमें थोड़ी भरोसा रहती है उनपे, कारण कि उनकी बात तो पटल पे कुछ दिखती है, मगर उन्होंने हम लोग जब गए थे तो एक ही चीज बोला गया था कि आप लोगों को अगले महीना हम जस्ट टिल आफ्टर वन मंथ, ठीक है ना। उनके कहने का मतलब था कि एक महीना वेट कर लो, ठीक है ना। तो हम सर वेट तो करना ही चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अभ्यर्थियों में ये है, मगर सर एक महीना को एक महीने ही रहने दिया जाए, कहीं महीने महीने करके सालों में तब्दील ना कर दिया जाए। यही चीज हम कहना चाहते हैं कि अगर एक महीना है सर, एक महीना के अंतर्गत हम लोग को एक सुनिश्चित डेट दे दीजिए, भले ही एक महीना की जगह वो 10 दिन और ज्यादा ही क्यों ना हो, मगर एक सुनिश्चित डेट कर दीजिए श्रीमान कि हम लोगों की कम से कम इस तारीख से सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ये माननीय संजय सर से भी बोला था और इस चीज को हमने वहां पे भी बोला था। आज देखिए, आपके अखबार के कटिंग में भी आ गया है अभिषेक सर, अखबार के कटिंग में भी बोला गया है कि अगले महीने में प्रकाशित किया जाएगा। कभी कभी हम विद्यार्थी हतोत्साहित भी हो जाते हैं, कारण विभाग हम लोगों को कई बार बोला गया है कि अगले महीने रुक जाओ, जनवरी में रुक जाओ, ये भी पेपर के माध्यम से बोला गया है, फरवरी में आ जाएगा, फिर मार्च में। आप लोग के न्यूज चैनल पे भी कई बार आप देखेंगे, वहां पे जाके उन लोग को इंटरव्यू लीजिएगा सर का, तो वो भी बोलेंगे कि उन लोग को हम अगले महीने कर दे रहे हैं। तो अगले महीने करते करते साल में मत कीजिए श्रीमान, विद्यार्थियों का धैर्य जवाब दे देता है। इतने भी विद्यार्थी का धैर्य नहीं है सर कि इतना दिन तक धैर्य बना के रखे, विगत 3 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कहां तक वो किस तरह से लड़े पाएंगे। किसी को शौक नहीं करता है श्रीमान कि इतने पढ़ने के बाद मैट्रिक 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद DLED BEd, उसके बाद CTET, उसके बाद फिर ट्यूटर कैंपेन करे, प्रोटेस्ट करे, आंदोलन करे, रोड पे आए, लाठी डंडा खाए, क्या ये भी एक आंदोलन है, क्या ये भी एक हर्ता रखा गया है सरकार की तरफ से। इसलिए इस दर्द को समझिए और वो दर्द को समझते हुए हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अपर अधिकारी या तो फिर आला अधिकारी हैं सर, उनसे मेरा ये मांग है कि कम से कम तारीख सुनिश्चित कर कल्याण करे सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे के। हजारों की तादाद में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आपका। जी, कुछ सवाल और रहेंगे। लगातार आप लोगों को आश्वासन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है, प्रदर्शन आप लोग भी करते हैं, लेकिन क्या लगता है, नौकरियां मिल जाएगी क्या? देखिए सर, अगर सरकार चाह लेगी तो नौकरी तो सर सरकार से ही लेनी है, और हम लोग बेरोजगारी का दर्द है सर, नौकरी तो हम लोग को देना ही पड़ेगा सरकार को सर, बशर्ते यही है कि हम लोग हतोत्साहित होके ना ले, हम लोग को एक समय के सिरे मिल जाए तो अच्छा चीज होगा। ये इतना ज्यादा है इसलिए सर, समझिए तो समझने की चीज है, 90,762 सीटों पे बहाली हुई है छठे चरण में, उसमें अभी तक मात्र 42,000 सीटें भर पाई है, 50% से ऊपर सीट खाली रह गई है। और बताइए 50% से ऊपर 50,000 से ऊपर तादाद में सीट उनका खाली रहने जा रहा है, और उसके बाद इतने अभ्यर्थी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को तो बहाली देनी ही पड़ेगी, है ना। वो महीने महीने करके गुजारना जो हमें थोड़ा सा टाइम टेक ना करे, इसीलिए हम विनती करते हैं कि कम से कम अपनी बातों पे वो कायम रहे माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव सर, माननीय संजय सर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश दिनकर जी, सभी को हम यही से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात अगर उन तक जाती है तो हम यही कहना चाहते हैं सर, अपनी बातों पे कायम रहे, अपने वचन पे कायम रहे, ताकि अभ्यर्थियों के बीच में आपका विश्वास कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे आज शाम में, आप लोगों का ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा?
सर बिल्कुल, हम लोग हर एक तरह से उन प्रोटेस्ट किए हैं सर, जमीनी स्तर पे फिजिकल प्रोटेस्ट भी शांतिपूर्ण किए हैं सर, जी उसमें भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनीबाग में आंदोलन किए हैं, ना तो हम लोग उग्र किए सर, हम लोग गांधीवादी तरीके से मतलब भूख हड़ताल भी पहले किए हैं सर, पत्राचार का माध्यम भी हजारों की तादाद में बिहार के कोने कोने से और बिहार के सभी जिलों से 38 जिलों से लगभग उनके पास पत्र गया है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग के लिए। और ये चीज जान लीजिए कि हम लोग को संडे बाई संडे ट्विटर कैंपेन चलता है और आज भी संडे का दिन है और आज भी शाम 5 बजे से हम लोग का ट्विटर कैंपेन रखा गया है और इस ट्विटर में करीबन जब लाखों की तादाद में ट्वीट जाती है सर, कभी भी हम लोग का ट्वीट होता है तो 2 लाख 2.5 लाख ट्वीट होता है, हम लोग बिहार में ट्रेंड कर जाते हैं, ठीक है ना, हम लोग कितने बार बिहार में ट्रेंड करते रह गए, न्यूज एंकर आप लोग जैसे हस्ती पूछते रहते हैं कि आप लोगों को क्या हुआ है, कितना बड़ा आप लोग का, सब देखिए तो आप ही लोग का मतलब मामला हाईलाइट है, ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, तभी बिहार सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। तो आज भी हम लोग का ट्विटर कैंपेन शाम 5 बजे से है और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पूरे मीडिया में और पूरे बिहार में हम लोग का ही मैटर छाया रहता है, तब भी सरकार सुनने के तैयार नहीं है, अरे इस पे संज्ञान लीजिए श्रीमान, अभिलंब डेट फिक्स कीजिए, बस यही कहना है। और आज का भी ट्विटर कैंपेन शाम 5 बजे से रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अंतिम सवाल रहेगा, शिक्षा मंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि वो शिक्षाविद भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं और हम उनके बच्चे भी हैं और हम बिहारवासी भी हैं, और हम बिहारवासी हैं श्रीमान, क्या पढ़ना लिखना गुनाह हो गया आपके बिहार में, ये चीज आप हमें बताइए, क्या पढ़ना लिखना गुनाह है श्रीमान, क्या पढ़ लिख के बेरोजगारे रहने का यही एक परंपरा बन गया है बिहारों में, इस चीज का आप थोड़ा सा हमें बताएं शिक्षा मंत्री जी, अगर आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं या कभी भी सुन पाए तो इस चीज को सुने, क्या सर पढ़ लिख करके बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है, आप जान लीजिए श्रीमान की कोरोना कोरोना महामारी से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी, ठीक है ना, महामारी से भी ज्यादा शिकार लोग आज बेरोजगारी से हैं श्रीमान, और इस चीज को माननीय शिक्षा मंत्री जी एक ठोस आश्वासन दें, हम आप ही के बच्चे हैं और हम लोग भी एक भावी शिक्षक बनना चाहते हैं और हम लोग भी बिहार में एक अच्छा सर्वहारा पाने के बावजूद भी दर दर ठोकर खाने पे मजबूर है, इस दर्द को अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी सुन पा रहे हैं तो हम लोगों को आश्वासन नहीं विज्ञप्ति दीजिए, और मार्च अगर कह रहे हैं तो मार्च अंत में भी करके अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी हम लोगों को एक सुनिश्चित डेट घोषणा कीजिए जिसमें डेट अंकित हो कि इस तारीख से हम आप लोगों को मतलब दे रहे हैं 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत बार बोले हैं सर कि आप लोगों को शीघ्र आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, श्रीमान ये शीघ्र जल्दी तुरंत थोड़ा सा हम लोग बच्चे हैं आपके, आप हमें हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये शीघ्र जल्दी और तुरंत कितने दिनों का होता है, हमने तो पढ़ा है महीने 2 महीने 4 महीने को शीघ्र बोल सकते हैं, कहीं तो ऐसा नहीं सर कि पंचवर्षीय योजना को शीघ्र बोला जाता है, इस चीज को समझिए, अपनी बातों पे वचन पे कायम रहिए ताकि हम अभ्यर्थियों का आपके जरिए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम अभ्यर्थियों का भी कल्याण हो सके और बिहार में जो 3.5 लाख शिक्षकों की सीट जो भरी पड़ी है, खाली पड़ी है, उसको हम लोग भर के सभी को रोजगार भी मुहैया हो, वीर शिक्षा के बिना, वीर शिक्षक के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी NBC 24 से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आप हम अभ्यर्थियों के बीच में आपने अपना मतलब चैनल के माध्यम से जिस तरह से प्रोटेस्ट में भागीदारी दी है, और आशा करते हैं सर कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी या प्रमुख सचिव जी या शिक्षा विभाग के कोई भी आला अधिकारी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं तो इस मामला को संज्ञान मिले, धन्यवाद सर। जी जी जी, तो आपने देखा सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उत्तम थे हमारे साथ, तमाम मुद्दों पर चर्चा किए, जिस तरीके से बात कर ले 6ठे चरण की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही थी, उसके बाद जो 7वें चरण की प्रक्रिया है वो मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में आया है। आप देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों को नौकरी कब तक मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की संख्या की बात कर ले तो 90,000 लगभग की संख्या है, अगर बात कर ले तो 3 लाख से भी ऊपर पद बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को खाली, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की बात कर ले तो वो नहीं हो पा रही है, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री से मिल रहे या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, लगातार इन लोगों को आश्वासन मिलता है, फिर से आश्वासन बीते दिनों मिला था सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को। अब देखना ये होगा कि इनकी बहाली कब तक होती है और ये कब तक इनको नौकरियां मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तमाम अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।